हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फिशर क्रीम हॉबी। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हाउ टू क्लीन एक्वेरियम ग्लास एंड वाटर मार्क्स। एक्वेरियम ग्लास को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, किस तरह से वाटर मार्क्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आप अपने सामने ये एक्वेरियम देख रहे हैं, ये मेरा मेन टैंक है, मेन कम्युनिटी टैंक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लास गंदा हो गया है। ये जो आप ग्लास के ऊपर वाइट वाइट से मार्क्स देख रहे हैं, इन्हें वाटर मार्क्स और कैल्शियम मार्क्स भी कहते हैं फ्रेंड्स। इस इशू को फ्रेंड्स हर एक्वेरियम लवर फेस करता है फ्रेंड्स, ये बहुत मेजर इशू है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपना एक्वेरियम क्लीन कर सकते हैं, किन चीज़ों का यूज़ करके ये ईजिली क्लीन हो सकता है और किन चीज़ों का यूज़ एक्वेरियम को क्लीन करने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि किन चीज़ों का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको सोप, साबुन, किसी भी तरीके का एसिड, डिटर्जेंट लिक्विड, इन चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हैं। जब आप इनसे अपने एक्वेरियम की क्लीनिंग करते हैं तो हमारा एक्वेरियम तो क्लीन हो जाता है फ्रेंड्स, बट सोप, साबुन, डिटर्जेंट, एसिड, इन सब के पार्टिकल्स एक्वेरियम में ही रह जाते हैं। पूरी तरह से साफ़ करने के बाद भी वो रिमूव नहीं होते हैं, और जो कि हमारी फिशेस के लिए हार्मफुल है। कई बार तो फिशेस की डेथ तक हो जाती है एक्वेरियम में, जो कि बहुत ही पेनफुल है फ्रेंड्स। आप अपने एक्वेरियम की सभी फिशेस खो सकते हैं, पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, इन सभी चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए अपने एक्वेरियम को क्लीन करने में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, हमें अपने एक्वेरियम को क्लीन करने में किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए और किस तरह से हम अपने एक्वेरियम को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें विनेगर, एक स्क्रबर, साल्ट और लेमन, हमें इन चार चीज़ों की ज़रूरत है अपने एक्वेरियम के वाटर मार्क्स को निकालने के लिए। विनेगर फ्रेंड्स हमारी फिशेस के लिए सेफ़ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि विनेगर हम अपने एक्वेरियम का पीएच लो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए फिशेस को कोई भी किसी, अगर इसका अमाउंट थोड़ा बहुत अमाउंट छूट भी जाएगा एक्वेरियम में, तो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पूरा नींबू लेना है और इस कटोरी में निचोड़ देना है पूरा। अब इसमें हम फ्रेंड्स विनेगर ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने विनेगर ऐड करा, और आपको इसी तरीके का स्क्रबर यूज़ करना है जो कि बेस्ट है। आपको इसके कोई प्लास्टिक का स्क्रबर या कोई और स्पंज ऐसा कुछ इसकी जगह यूज़ ना करिए, क्योंकि ये क्लीनिंग करने में बहुत अच्छा है और इससे एक्वेरियम पे किसी तरह के मार्क्स नहीं पड़ते हैं। एक आता है स्टील का स्क्रबर, उससे बिल्कुल भी यूज़ मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि उससे ग्लास के ऊपर स्क्रैचेज आ सकते हैं। तो आप ये इस तरह का ग्रीन वाला आता है, ये स्कॉच ब्राइट 3M, काफ़ी कंपनियाँ इसे बनाती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको 25-30 रुपये मिल जाएगा। तो आपने जैसे लिक्विड तैयार करा, तो आपको ये स्क्रबर इसमें अच्छे से भिगो देना है। और फ्रेंड्स, इसके साथ आपको ये साल्ट इसमें लिक्विड में ऐड नहीं करना फ्रेंड्स, आपको साल्ट इसके ऊपर डालना है, क्योंकि साल्ट भी बहुत अच्छा स्क्रबर का काम करता है, जिससे कि वाटर मार्क्स बहुत जल्दी रिमूव हो सकें। आप पुराने से पुराने और बड़े से बड़े वाटर मार्क्स को इससे रिमूव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको स्क्रबर के ऊपर डालना है ये। चलिए फ्रेंड्स, क्लीनिंग करते हैं। अब इस तरफ फ्रेंड्स, अब हम दोबारा से अपने स्क्रबर को लिक्विड में डिप करेंगे और उसके ऊपर साल्ट ऐड करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जितनी बार भी आप इसे लिक्विड में डिप करेंगे उतनी बार आपको साल्ट ऐड करना है इस तरह से, ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो सके और कम से कम टाइम लगे। ग्ला
गिलास की क्लीनिंग करते हुए एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जो गिलास के ये किनारे हैं ये कहीं कहीं इनमें शार्पनेस रह जाती है, तो ज़्यादा फोर्स से किनारों को मत साफ करिएगा फ्रेंड्स, हाथ कट सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और बच्चे इन चीज़ों को घर में ही करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिएगा। अगर आप 18 साल से कम हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, प्लीज़ इसे स्किप कर दीजिएगा। आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि कहीं कहीं शार्पनेस रह जाती है, जो कि हम कांच को बहुत फोर्स से साफ़ करते हैं तो कहीं कहीं शार्पनेस रह जाती है, और जिससे कि हाथ कटने का बहुत डर रहता है। हम अपने एक्वेरियम को पूरी तरह से क्लीन कर चुके हैं स्क्रबर से, अब हमें चलते हुए पानी में अपना एक्वेरियम पूरी तरह से धोना है, जिससे कि वो अच्छी तरह से साफ़ हो सके और जहाँ जहाँ वाटर मार्क से निशान रह गए हैं वो देख सकें, जहाँ पे पूरी तरह से क्लीन नहीं हो सके उसे फिर से क्लीन कर सकें। आपको अब इसमें लिक्विड ऐड नहीं करना है, जो हमने विनेगर और लेमन का लिक्विड बनाया था वो ऐड नहीं करना है, उसी से नॉर्मल धोना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पूरे एक्वेरियम को पानी और स्क्रबर से साफ़ करेंगे, उसके बाद हमें कॉटन के कपड़े से पूरे एक्वेरियम को साफ़ करना है अच्छी तरह से, जिससे कि विनेगर और लेमन के अगर कहीं पे पार्टिकल्स रह गए तो पूरी तरह से रिमूव हो सके। उसके बाद आपको कॉटन के कपड़े से पूरा एक्वेरियम अच्छे से साफ़ करना है, जिससे कि पानी के निशान ना रह जाएं। अच्छे से क्लीन कर देंगे और ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड्स ड्राई होने के बाद मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक्वेरियम पूरी तरह से ड्राई हो गया है, और आप देख रहे हैं कि ग्लास कितना क्लीन है। मैं आपको बारी बारी सभी जगह से दिखाता हूँ कि हमारा ग्लास पूरी तरह से क्लीन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स इनके आस पार दिखाई दे रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये भी क्लीन हो गए हैं, देखिए ये, देखिए फ्रेंड्स ये ग्लास की पट्टियाँ भी क्लीन हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स सामने, जहाँ ये वाइट वाइट सी यहाँ पर लकीर बनी हुई थी, ये देखिए पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी हैं, कहीं भी निशान नहीं है। अब मैं आपको साइड वाले गिलास दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स साइड वाले गिलास बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल न्यू एक्वेरियम की तरह हो गया ये। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी तरह से विनेगर साल्ट और लेमन का यूज़ करके आप अपने गिलास को भी क्लीन कर सकते हैं। किसी तरह का कोई सर्फ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई स्टील का स्क्रबर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का कोई डिटर्जेंट सोप कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप इन्हीं तीन चीज़ों से अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं अपने एक्वेरियम ग्लास की। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपको प्लास्टिक वाला स्क्रबर नहीं लेना, आपको जैसा मैंने स्क्रबर दिखाया था उसी टाइप का स्क्रबर आपको यूज़ करना है, वो बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है फ्रेंड्स। देखिए कहीं से भी देखने से नहीं लग रहा कि ये पुराना एक्वेरियम है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपनी इस वीडियो फ्रेंड्स 1000 लाइक का एम रखता हूँ, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अचीव कराने में मेरी मदद करिएगा। और चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।